नमस्कार, अब यहाँ हमारे साथ हैं गीतकार समीर। जी हाँ, आप जान रहे होंगे जो सुरीले आप गीत सुनते हैं और पूरी तरह से संगीत को इन्होंने बदल दिया और सब इंतजार करते रहते हैं कि समीर जी की कब लिखी हुई गीत आए। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत। जिस तरह से 90s के गीतों को आपने बदल दिया और आज भी कई सुरीले गीत दे रहे हैं, क्या कुछ सकता है, कितना बदलाव आ गया है आपके संगीत में? बदलाव तो देखिए, प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होना है। और 10-20 साल के बाद ऐसा बदलाव होता है। हमने करियर 80s में शुरू किया, फिर 90s में आके सक्सेस मिली और एक लंबा अंतराल जिया हम लोगों ने। फिर एक नई पीढ़ी आई और जब नई पीढ़ी आती है तो एक बदलाव लेके ही आती है। उसकी भाषा अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है, उसका वेशभूषा सब अलग होता है। तो कहीं ना कहीं उस बदलाव का असर है। बदलाव होते रहे हैं सदियों से, ऐसा नहीं है कि पहली बार बदलाव हुआ है। तो बदलाव होता है, मगर जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च से यहाँ पर कार्यक्रम करता है डॉक्टर अभिराम गुलसेव जी करते हैं, कैसे, क्या कुछ कहेंगे आप इनके बारे में? देखिए, एक तो अभिराम जी को मैं, ये जो भी कार्यक्रम ये कर रहे हैं, इससे पहले भी इन्होंने किया है, इसके लिए सबसे पहले तो इनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो समाज के उन चुनिंदा लोगों को, जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, अपनी फील्ड में अच्छा काम करते हैं, उनको बुलाना, उनको सम्मानित करना, उनको अवार्ड देना, उनको डिग्रियां देना, ये बहुत बहुत ही अच्छा काम है कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, वो लोग जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको और बेहतर काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। उनको लगता है कि लाइफ में अगर आप अच्छा करें तो ऐसे रास्ते भी आपके लिए खुल जाते हैं। और मेरे लिए तो एक तरह से ये ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि मेरे दिल में कहीं था कि मुझे अब जिस जगह मैं पहुंचा हूं, मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिलनी चाहिए। जी जी। एंड द क्रेडिट गोज टू अभिराम जी कि उन्होंने मुझे बुलाया और ये सम्मान दे रहे हैं। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। समीर जी, और कोई नया अभी गीत आने वाला हो? बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। एक तो हंगामा अभी आके गई है, अभी हलचल आ रही है, फिर धड़कन आएगी, फिर धूम 5 बार बन रही है और हाउसफुल 5 आ रही है। तो है 5-6 फिल्में जो आएंगी, आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार से आप सुरीले गीत लिख रहे हैं और कई लोग यहाँ पर इंतजार करते रहते हैं समीर जी के, और काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं आपके हॉल। शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ और उन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी जो बदलाव आया है और ये प्रकृति का नियम है। यहाँ और अभी कई फिल्में धूम मचाने के लिए आ रही है, उसमें धूम 5 भी है और हंगामा भी है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसे तत्काल खबरें लेकर आते रहेंगे और आपको ऐसे बड़े लीजेंड से मिलवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ माध्यम, नमस्कार। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। We'll be right back.